हेलो गाइस, वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी। माय नेम इज मान सिंह मौर्य। दोस्तों, ये पर्यावरण की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को यूपी टेट, सी टेट और वनडे एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग करनी है, वो हमारे कोचिंग के ब्रांच पे इस एड्रेस पे संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है तो दोस्तों कितना है? तो वह है दोस्तों 21%, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे हवा में यानी हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 21% पाई जाती है। और सर्वाधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस है दोस्तों? तो वह है नाइट्रोजन, है ना। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह कौन सी है? वह है नाइट्रोजन। और कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों 78% हमारे वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? तो 21% है। और मैं आपको बता दूं कि आर्गन भी कभी कभी पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में आर्गन गैस कितने प्रतिशत है? तो 0.9% कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में है दोस्तों? तो वह है आर्गन, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछ लिया जाए कि हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो वह दोस्तों 0.03%, है ना। 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। और आने वाले पिछले यूपी टेट के जो एग्जाम हो चुके हैं और जो होने वाले हैं उनमें यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया गया है सेल्सियस, ऑप्शन बी है फारेनहाइट, ऑप्शन सी है केल्विन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो परम तापक्रम पैमाना होता है वो होता है केल्विन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि परम तापक्रम पैमाना क्या है या कौन सा है तो केल्विन, है ना। याद रखिएगा, स्टैटिक है, बिल्कुल रट के रखना है इसको, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ऑप्शन ए है सभी पौधों द्वारा रहेगा आगे, सभी पौधों द्वारा। ऑप्शन बी है दोस्तों सभी पौधों द्वारा, और ऑप्शन बी है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा। ऑप्शन सी है सभी हरे पौधों द्वारा, और ऑप्शन डी है वायरसों द्वारा। तो बताइए जल्दी। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों द्वारा संपादित होती है, है ना। ये नहीं बोलना है कि प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा, पौधे जो हरे होंगे, है ना, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो सभी हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह पौधे जो पौधे होते हैं वह क्लोरोफिल की सहायता से कर लेते हैं ना। तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? तो सभी हरे पौधों के द्वारा संपादित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों फान में, ऑप्शन बी है डेसी में, ऑप्शन सी है डेसिबल में और ऑप्शन डी है डेसिमल में। तो देखिए, जो ध्वनि प्रदूषण होता है या जो ध्वनि होती है उसकी माप की जाती है डेसिबल में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और डेसिबल को दोस्तों लिखा जाता है ऐसे, डी और कैपिटल बी, है ना। डेसिबल का जो चिन्ह है वो स्मॉल डी और कैपिटल बी, है ना। तो डेसिबल में क्या मापा जाता है? तो ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण की माप की जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? क्वेश्चन को मैं आसान बना दूं, और दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से किसके कारण विश्व में अत्यधिक तापमान बढ़ रहा है ना। तो ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, ऑप्शन बी है मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण और ऑप्शन डी है ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए, विश्व में ताप बढ़ रहा है वायु प्रदूषण के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा बातों को। देखिए,
हमारे वातावरण में जब वायु प्रदूषण की अधिकता हो जाती है, तो जो वायु प्रदूषण की जब अधिकता होगी तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो जाएगी। जैसे ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः आता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मीथेन, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, N2O। ये सब कैसी गैसें हैं दोस्तों, तो ये सभी हैं ग्रीन हाउस गैसें। और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो सूर्य के प्रकाश से अवरक्त किरणें पृथ्वी पर आती हैं, वो इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। और जब अवशोषण होगा, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाएगा, है ना। तो पूछा गया है, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, ऑप्शन बी है मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण और ऑप्शन डी है ध्वनि प्रदूषण। तो कौन सा सही था? ऑप्शन सी यहाँ पर सही है दोस्तों, वायु प्रदूषण विश्व उष्मायन का कारण है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी के पृष्ठ के अधिकांश कितने प्रतिशत पर हैं? तो देखिए दोस्तों, महासागर हमारे पृथ्वी के पृष्ठ पर 71% क्षेत्रफल फैले हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल पर महासागर हैं, तो 71% पर केवल क्या है, महासागर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों सिलिका का, ऑप्शन बी है दोस्तों मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट का, और ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट का। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो किसका होता है बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है ना, याद रखना है, स्टैटिक है, बिल्कुल रट्टा मार के रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है दोस्तों धुआं कुहासा, ऑप्शन बी है वाहनों से निकलने वाली गैस, ऑप्शन सी है जलती लकड़ी की चारकोल से निकली गैस, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए, वायु प्रदूषण के लिए जो सभी जिम्मेदार हैं वो सब ऑप्शन में मिलेगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से जो सभी हैं दोस्तों वह वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर है दोस्तों, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए और खाली स्थान का प्रयोग रुकता है। तो भारत तथा दूसरे देश प्रदूषण को रोकने के लिए किस चीज का प्रयोग रोक दिए हैं? तो ऑप्शन ए है दोस्तों कागज के थैले, ऑप्शन बी है प्लास्टिक के थैले, ऑप्शन सी है नायलॉन के थैले, ऑप्शन डी है चमड़े के थैले। तो देखिए दोस्तों, भारत तथा दूसरे देशों ने प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक के थैलों पर बैन लगा दिया है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि मार्केट में अभी जल्दी प्लास्टिक की जो पन्नियां आती हैं वो नहीं मिल रही है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है भारत ने और बहुत सारे देशों ने, ताकि उससे वातावरण में प्रदूषण को कम किया जा सके, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होती है ना, इसीलिए भारत सरकार तथा विश्व के अनेक देशों ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्लास्टिक के थैले को बैन कर दिया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन ए है दोस्तों वायु, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है मृदा। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का इसमें उदाहरण है तालाब, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, जहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जीव हो, है ना, और उन जीवों के लिए रहने के लिए उपयुक्त तो वातावरण हो, तो बहुत सारे जीव वातावरण में रहते हैं, तो इसमें तालाब सही हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो वह है तालाब, है ना, तालाब बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर है दोस्तों, कौन जीवित कारक नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कौन जीवित कारक नहीं है? ऑप्शन ए है पेड़ पौधे, ऑप्शन बी है जंतु, ऑप्शन सी है सूक्ष्म जीव और ऑप्शन डी है प्रस्तर, है ना। तो निम्न में से कौन सा जीवित कारक नहीं है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रस्तर, यानी प्रस्तर तत्सम है पत्थर का, है ना, तो
पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर, और प्रस्तर एक जीवित कारक नहीं है, लेकिन हरे पेड़ पौधे जंतु सूक्ष्म जीव सभी कैसे कारक हैं? तो जीवित कारक हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है स्थल मंडल में, ऑप्शन बी है जल मंडल में, ऑप्शन सी है वायुमंडल में, और ऑप्शन डी है प्रकाश मंडल में। तो दोस्तों अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं वह पाए जाते हैं स्थल मंडल में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। अन्य अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है पैरासाइट, ऑप्शन बी है डीकम्पोजर, ऑप्शन सी है स्क्वेंजर, और ऑप्शन सी है स्क्वेंजर, ऑप्शन डी है ओमनीवर्स, है ना? तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी स्क्वेंजर। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा डीकम्पोजर यानी अपघटन, है ना? अपघटन, डीकम्पोजर यानी अपघटन करता। तो देखिए अपघटन करता मृत जंतुओं का अवशोषण करते हैं, है ना? मृत जंतुओं को खा जाते हैं, परंतु यह जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अन्य जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, तो है दोस्तों स्क्वेंजर, ऑप्शन सी राइट है। प्राणी पूछा है तो स्क्वेंजर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। और दोस्तों जो स्क्वेंजर होते हैं उनमें कौन कौन से प्राणी आते हैं? तो गिद्ध है, चील है, हाइना है ना, गिद्ध वह मृत जीवों को खाता है, आपको पता है, तो वह एक प्रकार का स्क्वेंजर है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन है सीएनजी संक्षिप्त रूप है, यह आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट 2015 का कि सीएनजी संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए है क्लीन नेचुरल गैस, ऑप्शन बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी है कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, और ऑप्शन डी है कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे वर्तमान में वाहन चलाए जा रहे हैं, उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, और इसको पर्यावरण का स्नेही माना जा रहा है क्योंकि इससे पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, यानी वातावरण में वह कौन सी सल्फर की सबसे हानिकारक मिश्रित गैस है, यानी उस सल्फर का यौगिक पूछा है गैस के रूप में। तो देखिए ऑप्शन ए है यस यानी सल्फर, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों ऐसे इसको नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा एच और नीचे 2S, है ना, और ऑप्शन सी है CF8, है ना, CF8, और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो देखिए जो वातावरण में अत्यधिक अत्यधिक हानिकारक जो सल्फर गैस होती है वह होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में जो सल्फर की हानिकारक मिश्रित गैस है वह कौन सी है? वह सल्फर डाइऑक्साइड है, अम्लीय वर्षा का कारण भी यह गैस होती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है दोस्तों वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए है वृक्षों के द्वारा, ऑप्शन बी है मछलियों द्वारा, ऑप्शन सी है जंतुओं द्वारा, और ऑप्शन डी है सूर्य प्रकाश द्वारा। तो दोस्तों वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आपको वृक्ष लगाना होगा, वृक्षों के द्वारा ही वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। बिना वृक्ष लगाए वायु प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वृक्ष वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और बदले में
ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो वृक्षों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस दी जाती है, इसीलिए वायु प्रदूषण कम करने के लिए वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि कभी जब आपको मौका मिले तो एक वृक्ष तो जरूर लगाएं, क्योंकि अगर वातावरण शुद्ध रहेगा तो आने वाली पीढ़ी भी का जो मस्तिष्क है, जो उनके लिए अच्छा वातावरण मिल पाएगा। वरना वातावरण ही प्रदूषित रहेगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को लगभग मैंने कई क्लासों में डिस्कस किया है, तो इसको याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए है दोस्तों 5 नवंबर को, ऑप्शन बी है 5 जनवरी को, ऑप्शन सी है 5 जून को और ऑप्शन डी है 5 सितंबर को। तो दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों पौधे किसका अवशोषण करते हैं, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, CO2 का अवशोषण करते हैं। अभी पिछले ही क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यह राइट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन ए है दोस्तों भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है जीवी मावलंकर, है ना। तो कौन थे दोस्तों, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे यह भी पूछा जाता है, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो भीमराव अंबेडकर अध्यक्षता कर रहे थे, याद रखिएगा, है ना। और पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, है ना। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। और पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, है ना, याद रखिएगा। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, तो यह संविधान सभा में शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना ये सब सारी बातें। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। विक्रमशिला अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों विक्रमशिला अभयारण्य है बिहार राज्य के भागलपुर जिले में। विक्रमशिला अभयारण्य कहाँ पर है, बिहार में है, और बिहार के और अंदर पूछा जाए तो भागलपुर, है ना, याद रखिएगा। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला अभयारण्य है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यह गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि भागलपुर जो जिला है वह गंगा नदी के तट पर है और वहीं पर एक अभयारण्य बनाया गया है विक्रमशिला अभयारण्य, जो प्रसिद्ध है गंगा डॉल्फिन के लिए। और गंगा डॉल्फिन को सामान्य भाषा में कहा जाता है सूस, है ना, सूस बोला जाता है। तो गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध भारत का अभयारण्य है विक्रमशिला अभयारण्य, जो किस राज्य में है, वो है बिहार राज्य में। अब जिन लोगों ने कल का आंसर कमेंट करके बताया था उनका नाम मैं बताने वाला हूं। तो पहले तो कल के क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाए, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो क्या कारण है दोस्तों, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय रहेगा, ध्रुवीय या ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, क्योंकि आपको पता है कि ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ जमी हुई है
वो पिघल रही है, इसी के लिए महासागरों को का जो जल स्तर है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कल के इसका आंसर बताने वाले लोगों का नाम मैं बोल दूं, कल दोस्तों आंसर सही सही कमेंट करने वाले लोगों का नाम है ज्योति जी, इन्होंने भी सही बताया, राजू कुमार बौद्ध, इन्होंने भी सही आंसर बताया था, और इन्होंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम आप सभी के लिए बहुत सारे पर्यावरण के और क्लासेस लाने वाले हैं। और एक और नाम बता दूं दोस्तों, सही आंसर कमेंट करने वाले सत्यपाल साहनी, इन्होंने भी सही आंसर कमेंट करके बताया था। तो आज भी आप सभी के लिए एक जोरदार प्रश्न है, और जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा होगा वह कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। और इसको तो मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में जरूर पढ़ाया है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए है धूपगढ़ से, ऑप्शन बी है गंगोत्री से, ऑप्शन सी है अमरकंटक से, और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर के पठार से। तो जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा होगा वह कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आने वाले वीडियो में उनका नाम फिर मैं अनाउंस करने वाला हूँ। तो दोस्तों अच्छे से यूपीटेट की तैयारी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, और अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताया करिए, और आंसर तो जरूर कमेंट किया करिए, और जितना विस्तृत हो सके लिखा करिए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, किस सागर में जाकर मिलती है, किस दिशा में बहती है, सब कमेंट करके आपको बताना होगा, है ना। तो ज्यादा आपको यह पॉइंट याद रह जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।